सॉरी भैया जी, क्या जुगनू, ये तुम्हें बोला था ना आयन करने के लिए, तो अपना काम पायल जी को क्यों दे दिया तुमने? वो देव जी, जब नहाने से पहले आप अपने शर्ट के कॉलर और बटन के बारे में बात कर रहे थे, तब रूम में जुगनू भैया ने हम थे, जुगनू भैया शॉट। पायल जी माफ कीजिएगा, उस समय हमें लगा ना कि जुगनू है, इसलिए हमने वो सब कह दिया। कोई बात नहीं, वो हमने आपकी शर्ट्स देखी हैं, प्रॉब्लम तो है, कुछ में बटन्स भी नहीं है, तो जब हम शाम को ऑफिस से लौटेंगे तो सब ठीक कर देंगे। नहीं नहीं, ये सब करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, इतना भी हक नहीं है हमारा? हम चलते हैं, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। जी दोस्त भी हम, परिवार भी हम, हर मौसम में साथ हैं हम। तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही। आज से सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे जी टीवी पर। पापा, आप हमें स्पोर्ट्स क्लब छोड़ दीजिए ना, हमारी प्रैक्टिस है आज। अरे पापा का ऑफिस एक तरफ है और तुम्हारा खेलकूद का जगह दूसरी तरफ। अरे इतना लंबा चक्कर लगा के क्यों जाएंगे छोड़ने, तुम रिक्शा से चली जाओ। माँ, हमारे पास रिक्शा के लिए पैसे नहीं है, वैसे भी अब कुछ बचता ही नहीं है। बचेगा कैसे, पायल ने हम सबको अपना आदि बना डाला था, जरा सी दिक्कत हुई पायल के पास गए, दिक्कत खत्म। आदि नहीं बनाई थी, बिगाड़ दी है इसको। क्या माँ, अब जब देखो हमें डांटती रहती है, और आप ही तो हमेशा दीदी की तारीफ करती थी ना कि उन्होंने एक नई प्रथा चालू की है जेब खर्च देने की। हाँ तो हम क्या गलत कहते थे? बिल्कुल गलत नहीं कहती थी, और अब तो वैसे भी महीने की 1 तारीख आने वाली है ना, और दीदी हम सबको जेब खर्च देने आएंगी। नहीं, अब पायल से कोई भी जेब खर्च नहीं लेगा। लेकिन माँ, दीदी ने तो कहा था कि वो शादी के बाद भी हमको जेब खर्च देंगी, और उन्होंने जीजू से भी बात की थी, जीजू को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे सबका बात और था, तब पायल यहाँ रहती थी, अब उसका शादी हो गया है, ससुराल के प्रति भी उसका कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? और ऐसे भी हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ का भी कुछ नियम कायदा है, उसको बदल नहीं सकते हैं हम। हमने शादी के पहले भी ये बात कही थी कि शादी के बाद हम पायल से जेब खर्च नहीं लेंगे, और आज भी हम यही बात कह रहे हैं, समझ में आ रहा है तुमको? लेकिन माँ ऐसा क्यों? बेटा क्योंकि ये सही नहीं है। पापा बाप भी? हाँ बेटा, पायल ने जब शादी के बाद भी सबको जेब खर्च देने का बात किया था ना, तब उसका लगाव, उसकी भावना उस समय हम सबसे जुड़ा हुआ था बेटा, वो उसका एक भावनात्मक निर्णय था, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई बेटा, अब उसकी समझ में आ जाएगा कि उसका हमको शादी के बाद भी जेब खर्च देने का निर्णय गलत था बेटा। और नीलू, ये बात हम कोई समाज के डर से या दक्यानुसी प्रथा की वजह से नहीं कह रहे बेटा, जो सही है, जो सच है, हम हमेशा उसके पक्ष में बात करते हैं, इसलिए हम तुम्हारी माँ की इस बात से सहमत हैं
कि अब हम लोगों को पायल से जेब खर्च नहीं लेना चाहिए। हम जानते हैं बेटा, पायल को इस बात का बुरा जरूर लगेगा, लेकिन वो समझदार है, वो समझ जाएगी। पायल का जेब खर्च देने का प्रथा खत्म हो गया है, समझ में आ रहा है तुमको? एक काम करते हैं, जहां तक नीलू को जेब खर्च देने का सवाल है वो हम दे देंगे। ये रहा 100 रुपया एडवांस। और हम इसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ भी देंगे। थैंक यू पापा। ठीक है, अब आप बिगाड़िए इसको। भाई हमको ऑफिस में देर हो रहा है, हम जा रहे हैं। बाबूजी, चाचा जी, आप यहाँ? अरे बहू, वो क्या है कि भाई हमको जो है जुगसलाई जाना है ना, तो वही हम लोग सोच रहे थे कि अब बस से ही चले जाते हैं, काहे कि गाड़ी तो मिलने से रही, अगुलकन तो क्या देगी गाड़ी हमको, तुम जानती हो। अभी हम बाहर निकल के देखे बहू, ऐसा तगड़ा धूप है, एकदम चिलचिलाता हुआ और टन टन कर रहा माथा, लग रहा है कि खोपड़िया निकल के गिर पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तरीका हम ढूंढे लेंगे। नहीं, हम तो कहा है कि रिक्शा से जाने वाले थे, लेकिन अब जसवाल जी बोले कि बस से जाना जो है बेहतर होगा, तो हम कहे ठीक है चलो, बस स्टॉप है ना सामने, वहां तक पैदल जाएंगे, अब फिर बस आएगा, फिर जब चला जाएंगे। बहू, अब बहू तुम ऑफिस जाओ बेटा, तुमको देर हो रहा होगा, तुम बैठो, जाओ जाओ, चलो जहां चला जाएंगे। बाबूजी, आपको ऑटो या बस से जाने की जरूरत नहीं है, चुकसलाई हमारे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है, हम आपको वहां छोड़ देंगे। देख रहे हैं जसपाल जी, इसको कहते हैं संस्कारी बहू। बहुत बहुत शुक्रिया बहू, लेकिन बहू देख लो, तुमको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नहीं बाबूजी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, आइए। अच्छा ठीक है, आइए, खुश रहो बहू, खुश रहो, बैठ बैठ बैठ। नीलम भी प्रैक्टिस से अभी तक नहीं लौटी, पर रजत और अलका भी बाजार गए थे, वो भी वापस नहीं आए हैं, पता नहीं कहां रह गए तीनों के तीनों। जी कहिए। मिसेस इंदिरा राय? हाँ हम ही हैं। मैम आपके लिए कुरियर है, प्लीज साइन। हमारे लिए? Yes, ma'am. दीजिए। Thank you so much, ma'am. Have a good day. हमारे लिए किसने भेजा है? माँ ये साड़ी आपके लिए, हमें अच्छे से याद है, ये साड़ी आपने शादी की खरीदारी के समय पसंद की थी, लेकिन आपने ये इसलिए नहीं ली क्योंकि आपको ये महंगी लगी थी, लेकिन माँ ये आपके मुस्कुराहट से ज़्यादा महंगी नहीं है, और उसी दिन हमने सोच लिया था कि इसे आपको गिफ्ट देकर सरप्राइज देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, जो आपने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम आपके लिए ये तोहफा खरीद सके। हैप्पी मदर्स डे माँ। नहीं रोइए नहीं, प्लीज आंसू पोंछ दीजिए, अभी तो कहा ना हमने कि ये साड़ी आपकी हंसी के लिए है,
आंसुओं के लिए नहीं। माँ पायल भाभी की तनख्वाह कब आने वाली है? अरे पता नहीं गुड्डी, उसी का तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, हमें बहुत सारी चीजें खरीदनी है, कपड़े, हमारा मेकअप वो भी खत्म हो गया, वो भी लेना है हमें। अरे गुड्डी हमको भी लेना है, हमारा भी सब खत्म हो गया है। हो चलो। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, एक नजर आप भी देख लीजिए, हो सकता है आपको कुछ पसंद आ जाए इसमें। आइए आइए। एक उड़ी कुंड कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तब तक चल के ना एक गगना को एक नजर मार लेते हैं हम लोग। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुलकंद भाभी ने इस बात पे बखेड़ा कर दिया तो? अरे काहे बखेड़ा कर दी, उसके गले का हार नोच रहे हैं, काजो बखेड़ा खड़ा कर देंगे। चलो आओ। आइए आइए। अरे राम, अरे ये गुड्डी, ये तो बहुत सुंदर है जी। अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर सुंदर गहना गुड्डी। अरे गुड्डी वो काला वाला देखो, वो हमारे बनारसी साड़ी के साथ क्या मैचिंग जाएगा, है ना? अरे ये देखो गुड्डी कितना सुंदर है, मन कर रहा है ना कि ले 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 ले। हाँ हमको तो ना सब कुछ सुंदर लग रहा है, मन कर रहा है ना सब कुछ ले ले। ये कुत्ती धीरे धरो, पायल बहू की तनख्वाह आ रही तो ना तुम भी ले लेना और हम भी ले लेंगे। हाँ सही आइडिया। अच्छा तो ये भक्तिन बिल्ली और उसकी छोटकी बिलाई मिलके अभी से देवरानी जी के तनख्वाह पे उछल रही है, अभी बताते हैं इन दोनों को। नमस्ते भाभी जी। ये सब का खोल के बैठे हो है? पुराना असाधारण, कुछ नया दिखाओ। ये देखिए, ये आजकल के डिजाइन का है, ये देखिए आपके लिए। अब बस बस गाड़ी यहीं रोक दो। जोगेश्वर बाबू आ गए। हाँ चलो स्वागत करते हैं, फूल माला पहनाते हैं। आइए। प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम जोगेश्वर बाबू। बस बस बस। बहू एक मिनट के लिए बाहर आओ बेटा, सब लोगों से तुमको एक बार मिलवा दे। भाई आप लोग इतना उतावला थे मिलने के लिए, हाँ तो मिल लीजिए, यही हैं हमारी बहू पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, अभिभाग की मुख्य अभियंता पायल प्रसाद। प्रणाम। अब हम चलते हैं। बहू थोड़ा और रुक जा, सिर्फ दो मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कहा है ना कि भूमि पूजन है और शुभ कार्य है, और शुभ कार्य में
बीच से जाना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है ना। तो टाइम नहीं लगेगा बहू, दो मिनट। सुनिए, आप सब लोग ना जल्दी जल्दी वो भूमि पूजन वाला कार्यक्रम कर लीजिए, कहे की देर हो रहा है ना बहू को। ये झुमके कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, ये बहुत सुंदर है, आपके ऊपर तो बहुत खिल रहा है ये। माँ देखो ना, भाभी ऐसे दिख रही है जैसे सबको खरीदने वाली है। अरे ये बुटी ले ले तू ना, हम तुमसे कहें ना कि जब पायल बहू का तनख्वाह आ जाएगा तो तुमको दिला देंगे, धीर धरो ना। पर माँ कम से कम झुमका तो दिला दो। ये कुटी, हम तुमको कहे ना कि इस समय हमारे पास एक चवन्नी भी नहीं है, बाद में दिलाएंगे, समझ ही नहीं रही हो तुम। क्या हुआ सासू माँ, गुड्डी को कुछ पसंद आ रहा है का? हाँ। कौन सा गुड्डी बताओ? ये वाला। सासुमा, आपकी बेटी बेज्जती करवा के रहेगी का? ये तो हम बसंती के लिए मंगवा के रखे थे, अभी घर की बेटी ये सब पहनेगी। अच्छा तो ठीक है, उसे एक बड़ा साइज ले लो। हाँ, और दिखाइए ना। ये देखिए, ये नया डिजाइन है, पसंद आएंगे आपको, देखिए देखिए। लगता है आपको हटाना पड़ेगा, घर का रुतबा दिखता है आपको, ये दिखाइएगा हमारे परिवार वाले को मदाम भर। नहीं नहीं, और बड़ा, अरे कुछ अच्छा दिखाइए। एक और है हमारे पास, वो आपको जरूर पसंद आएंगे। हाँ देखिएगा, ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ये ठीक है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। वो तो ठीक है, पर इतना पैसा कौड़ी नहीं है हमारे पास इस समय। तो क्या हुआ, ये कौन सा अभी पैसा मांग रहे हैं, बाद में धीरे धीरे दे दीजिएगा। कोई बात नहीं। हाँ ले लेते ना, जब भाभी की तनख्वाह आ जाएगी तो दे देना, ठीक है ना। देखो कितना अच्छा है। ठीक है, अब ले लियो तो ठीक है। अब देखते हैं पीडब्ल्यूडी वाली कमाऊ बहू के वेतन में से कौन कौन काका खर्च करता है। अब पड़ेगा लेना का देना, ऐसा चक्कर घूमेगा कि सब घन चक्कर में पड़ जाएंगे। गुलकंद हमको देख के इतना मुस्कुरा काहे रही है, कहीं कुछ झोल झपाटा तो नहीं है ना? नमस्कार। बहू ये शर्मा जी है, यही है हमारी बहू पायल प्रसाद, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर। अच्छा बहू, ये शर्मा जी हैं, यही स्कूल खोल रहे हैं और उसी के लिए भूमि पूजन हो रहा है। अब क्या है देखो, स्कूल खोलना जो है ये धर्म का काम है, समाज के लिए बहुत ही भलाई का काम है, इसीलिए हम यहाँ आए। और काहे के लिए आएंगे भाई, आइए ना मैडम, अपने हाथों से अनावरण कीजिए प्लीज। जी हम प्लीज। हाँ हाँ बहू,
ये धर्म का काम है, पुण्य का काम है, इसके लिए थोड़ा सहयोग दे दो।